हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईआईटी एंड मेडिकल फाउंडेशन सीरीज। स्टूडेंट, इस मेडिकल फाउंडेशन सीरीज में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं थर्ड चैप्टर, उसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। इसके एक लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं, आज सेकेंड लेक्चर होंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएँ। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में और पढ़ते हैं नेमिंग ऑफ बेसिस। क्या पढ़ेंगे? नेमिंग ऑफ बेसिस। तो ऑल ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर बेसिक इन नेचर। जितने भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं ना, बेसिक नेचर का होते हैं, ठीक। द हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मेटल आर ऑल्सो बेसिक इन नेचर। और मेटल की हाइड्रोक्साइड भी जो होते हैं ना, बेसिक नेचर के होते हैं। देयर फोर द बेसिस आर नेम्ड बाई सफिक्सिंग ऑक्साइड टर्म और हाइड्रोक्साइड टर्म टू द पॉजिटिव रेडिकल। और हम लोग क्या करते हैं, जब नाम देते हैं बेसिस का तो हाइड्रोक्साइड टर्म का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए, बेस के नेम के अंत में ओ एक्स आई डी है ना, ओ एक्स आई डी ई। तो ये ऑक्साइड जो है, देख कर हम लोग को समझ जाना है कि ये बेसिस का नेम है। ओके, द बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कलीज। देखिए, जो बेस होते हैं ना, अगर वो पानी में मिल जाए, डिजॉल्व हो जाए, उसको हम लोग कहते हैं स्पेशल नाम अल्कली। ओके, सिंस ऑल द एसिड्स एंड अल्कलीज आर सोल्यूबल इन वाटर, द सोल्यूशन ऑफ दिस सब्सटेंस इन वाटर आर कॉल्ड एक्वा सोल्यूशन। देखा जाता है कि बेस और एसिड पानी में डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है, पानी में डिजॉल्व हो जाता है, इसलिए उसके जो सोल्यूशन तैयार होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्वा सोल्यूशन। तो एसिड अगर पानी में मिल गया तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड, अगर बेस पानी में मिल गया तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेस बोलते हैं। और बेस में वैसा बेस जो पानी में डिजॉल्व हो जाए उसको हम लोग अल्कलीज बोलते हैं। सभी बेस पानी में डिजॉल्व नहीं हो सकते हैं, ठीक है, इसलिए सभी बेस को अल्कली बोलना गलत है, ठीक। नेक्स्ट, डिपेंडिंग ऑन द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ वाटर एंड एसिड और बेसिस प्रेजेंट इन द सोल्यूशन, द एसिड एंड बेसिस आर कैटेगराइज एज कॉन्सनट्रेटेड एंड डायलूट एसिड्स और बेस, ठीक है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि अगर हम लोग एसिड या बेस पानी में मिलाते हैं, क्या करते हैं, एसिड या बेस पानी में मिलाते हैं, तो वाटर में जब मिलाते हैं एसिड या बेस, तो डिपेंड करता है उसमें पानी ज़्यादा है या पानी के तुलना में एसिड ज़्यादा है। तो अगर पानी के तुलना में एसिड बहुत अच्छे अमाउंट में हो, ज़्यादा अमाउंट में हो, तो उसको या तो कंसंट्रेटेड कहेंगे, या तो पानी अगर ज़्यादा है तो उसको हम लोग डाइल्यूट कहेंगे। तो ये हम लोग है ना, देखते हैं कि कितना कितना मिला रहे हैं। एसिड अगर ज़्यादा मिला रहे हैं, पानी कम है, तो उसको अलग नाम देंगे। एसिड कम मिला रहे हैं या बेस कम मिला रहे हैं और पानी ज़्यादा है, तो उसका अलग नाम देंगे। तो चलिए उसी को हम लोग समझते हैं कि कंसंट्रेटेड क्या है, डाइल्यूट क्या है, ठीक है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन एक आता है, एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन आता है। तो उसी तरह से अगर एसिड को आप मिलाते हैं पानी में, कंसंट्रेटेड एसिड और बेसिस कंटेन लेसर प्रोपोर्शन ऑफ वाटर। अगर हम बात करें कंसंट्रेटेड एसिड या कंसंट्रेटेड बेस, तो वहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या देखने को मिलेगा, वहाँ पर कंसंट्रेटेड का मतलब है कि वहाँ पर पानी बहुत कम होगा और एसिड बहुत ज़्यादा होगा। तो कंसंट्रेटेड एसिड या बेस का मतलब हुआ कि पानी कम और एसिड या बेस ज़्यादा, ठीक है। और नेक्स्ट है, इन कॉन्ट्रास्ट टू द डाइल्यूट एसिड और बेस विच कॉन्टेन लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ वाटर। अगर हम बात करें डाइल्यूट एसिड या बेस का, तो वहाँ पे क्या होगा, वाटर के अमाउंट ज़्यादा और एसिड या बेस के अमाउंट कम होंगे, ठीक है। तो कंसंट्रेटेड का मतलब समझ में आ गया, कंसंट्रेटेड एसिड या बेस का मतलब जहाँ पे एसिड या बेस ज़्यादा और पानी कम, डाइल्यूट एसिड या बेस का मतलब कि एसिड या बेस कम और पानी बहुत ज़्यादा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम लोग समझते हैं, एक्चुअल कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस ओ एच माइनस आयन इन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एसिड और बेस रेस्पेक्टिवली डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ एच प्लस और एच माइनस आयन फर्निशेस बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड और बेस रेस्पेक्टिवली ऑन आयनाइजेशन। देखो, कोई एसिड या बेस जब पानी में डालते हो, कोई एसिड या बेस जब पानी में डालते हो, तो वहाँ से क्या निकलता है, एच प्लस या एच माइनस। तो डिपेंड करता है आप कैसा एसिड डालते हो या कैसा बेस डालते हो,
ठीक है, अगर वहाँ पे बहुत ही गुड क्वालिटी का एसिड डालोगे या बहुत ही गुड क्वालिटी का बेस डालोगे तो वहाँ पे एच प्लस आयन और ओएच माइनस आयन है ना बहुत अच्छे अमाउंट में रिलीज करेगा। ठीक है, तो ये जो एक्चुअल कंसंट्रेशन एच प्लस और ओएच माइनस का है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो उस पे डिपेंड करेगा जिसको हम डालते हैं। जैसे एसिड डालते हैं, बेस डालते हैं, तो अगर अच्छे क्वालिटी का एसिड होगा तो वहाँ पे अच्छे अमाउंट में H प्लस आयन निकलेगा, अगर अच्छे क्वालिटी का बेस होगा अच्छे अमाउंट में OH माइनस निकलेगा। यानी कि किस पर डिपेंड किया, डिपेंड्स ऑन एसिड और बेस। ठीक है, तो एसिड और बेस डालते हैं पानी में तो आयोनाइज होता है, आयन्स में टूटता है, पिछले क्लास में मैंने देखा। ठीक है, तो एसिड और बेस अगर अच्छे क्वालिटी के होंगे तो वहाँ पे जो H प्लस आयन निकलेंगे OH माइनस आयन निकलेंगे बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, यानी अच्छे अमाउंट में निकलेंगे। ठीक, दिस इज गिवेन बाय बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। और देखो यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं कि इसको कैसे समझ सकते हैं, तो बेसिसिटी ऑफ एसिड मतलब कोई एसिड के पास बेसिसिटी हम लोग जान लेंगे तो पता चल जाएगा कि वो उसमें कितना पावर है एच प्लस आयन रिलीज करने की। ठीक है, तो दिस इज गिवेन बाय बेसिसिटी ऑफ एन एसिड, दैट इज नंबर ऑफ एच प्लस आयन फर्निशेज बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड एंड एसिडिटी ऑफ बेस, दैट इज नंबर ऑफ ओएच माइनस आयन फर्निश्ड बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ बेस। तो किसी एसिड का स्ट्रेंथ पता करना है तो हम लोग निकालते हैं उसके बेसिसिटी। तो बेसिसिटी कैसे पता चलेगा, तो कोई एसिड को जब पानी में डालेंगे तो जितना एच प्लस आयन निकलेगा, जितने नंबर में H प्लस आयन निकलेगा वह उसकी बेसिसिटी है। अगर उसकी बेसिसिटी ज़्यादा होंगे यानी H प्लस का ज़्यादा अमाउंट होंगे, और H प्लस का ज़्यादा अमाउंट होंगे वो बहुत ही अच्छे एसिड होंगे। ठीक है, यानी कि बेसिसिटी ज़्यादा मतलब H प्लस आयन ज़्यादा और वो उतना ही क्या होंगे, स्ट्रांग एसिड होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, हम लोग निकालते हैं एसिडिटी ऑफ बेस। एसिडिटी ऑफ बेस क्या होता है, तो कोई अगर बेस को अगर पानी में डालते हैं, कोई अगर बेस को अगर पानी में डालते हैं तो क्या होता है कि उसमें से OH माइनस आयन रिलीज होता है। क्या होता है, OH माइनस आयन रिलीज होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम इस डब्बे में क्या किए, कोई बेस डाल दिए, तो बेस डालेंगे तो OH माइनस आयन रिलीज होगा। हम जानते हैं बेस इज डैट विच रिलीजेज OH माइनस आयन इन वाटर, तो यहाँ पे OH माइनस जितना ज़्यादा निकलेगा इसकी एसिडिटी उतना ही ज़्यादा होगा। मतलब कि बेस का हम लोग एसिडिटी निकालते हैं और एसिड का बेसिसिटी निकालते हैं। तो जिसमें ज़्यादा H प्लस आयन निकलेगा जिस एसिड में उसकी बेसिसिटी ज़्यादा, और जिस बेस का OH माइनस ज़्यादा निकलेगा उसकी एसिडिटी ज़्यादा। ठीक है, तो किसी एसिड का बेसिसिटी ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, किसी बेस का एसिडिटी निकालने का मतलब कि वो स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे एसिड एंड बेसिस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी ऑफ एसिड एंड एसिडिटी ऑफ बेस। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एसिड और बेस को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं किसके बेसिस पे, तो बेसिसिटी ऑफ एसिड एंड एसिडिटी ऑफ बेस के ऊपर। ठीक है, पहला है टाइप ऑफ एसिड, मोनोबेसिक एसिड। पहला देखेंगे मोनोबेसिक एसिड, तो मोनोबेसिक एसिड का मतलब हो गया वैसा एसिड जिसमें H प्लस आयन कितने हो, वन हो। ठीक है, तो बेसिसिटी इसका वन होगा, मतलब कि एक H प्लस आयन जो निकलेगा ना एक बेस के साथ में OH माइनस आयन के साथ में क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो अब एसिड के पास एक H प्लस है तो एक OH चाहिए, तो बेस कितना आया, वन, इसलिए इसका बेसिसिटी निकालते हैं। ठीक है, यानी कि कितने बेस जाके उसे कंबाइन कर सकता है, मतलब डायबेसिक बोले तो इसके पास दो एच प्लस होगा और यहाँ पे दो ओ एच माइनस जाकर अटैच कर सकता है। ठीक है, तो जिसके पास जितना बेसिसिटी ज़्यादा होगा उतना ही क्या होगा, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, तो मोनोबेसिक मतलब कि जिसके पास एक एच प्लस आयन है उसके साथ एक ओ एच माइनस आयन जाके अटैच हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, डायबेसिक, इसके मतलब क्या है, दो H प्लस आयन होगा उसके साथ दो OH माइनस जाके अटैच कर जाएगा। ठीक है, ट्राइबेसिक का मतलब क्या हुआ, यहाँ भी क्या है, डायबेसिक ये है, ये भी डायबेसिक है, यानी कि यहाँ पे दो कार्बोनिक एसिड हो गया, यहाँ पे H2C2O4 भी है, ये भी क्या करेगा, दो यहाँ H प्लस आयन रिलीज करेगा, H2SO4 भी है, ये सब डायबेसिक है, मतलब दो बेस आकर इससे अटैच होगा क्योंकि इसके पास दो एसिड यहाँ का यहाँ प्रेजेंट है, यानी दो H प्लस आयन प्रेजेंट है। ठीक है,
तो दो एच प्लस आयन प्रेजेंट है, यानी कि दो OH माइनस यहाँ पे आके अटैच हो सकता है, इसलिए डायबेसिक कहते हैं। ठीक, अब है ट्राइबेसिक एसिड, मतलब कि वैसा एसिड जिसके पास तीन बेस जाकर अटैच हो सकता है। मीन्स यहाँ पे तीन एच प्लस आयन रिलीज होगा और इस तीन एच प्लस आयन के साथ में तीन हाइड्रोक्साइड आयन मतलब OH माइनस आयन रिलीज होकर यहाँ पे अटैच हो सकता है, इसीलिए इसको ट्राइबेसिक एसिड बोलते हैं। वैसा एसिड जिसके पास तीन OH माइनस जाके अटैच हो जाए। ठीक, नेक्स्ट हम लोग अब देखेंगे बेस को, यानी कि बेस के पास अब एसिडिटी चेक करेंगे, जैसे मोनो एसिडिक बेस। ठीक है, मतलब कि इसकी एसिडिटी कितना होगा, मोनो एसिडिक बेस यानी ऐसा बेस जिसके पास क्या होगा, एक इसके एसिडिटी होंगे। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे OH माइनस आयन एक होंगे, इसके साथ कितने एसिड आएंगे, H प्लस आयन कितने आएंगे, तो एक, और आकर इसके साथ अटैच हो जाएंगे। तो ये सब के सब क्या है, मोनो एसिडिक बेस यानी कि ऐसा बेस है जिसके साथ एक H प्लस आयन आएगा और उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, तो मोनो एसिडिक बेस का मतलब है कि बेस के साथ एक H प्लस आयन जाके अटैच हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे एक ही OH माइनस निकलेगा, यहाँ भी वही हाल है, यहाँ भी वही हाल है। डाया एसिडिक बेस का मतलब हो गया कि ऐसा बेस जिसके पास दो OH माइनस आयन निकलेगा और वहाँ से निकलने के बाद में दो H प्लस आयन जाके उससे न्यूट्रलाइज कर जाएगा। ठीक, तो कोई भी बेसिसिटी हम चेक करते हैं यहाँ पे या एसिडिटी चेक करते हैं तो हम लोग को यह पता लगाने पड़ते हैं कि वहाँ पे कितने H प्लस आयन होगा या कितने OH माइनस आयन होगा। जैसे बेस का हम लोग एसिडिटी चेक करते हैं, मतलब वहाँ से बेस यानी OH माइनस जितना निकलेगा उतना ही जाकर एसिड वहाँ पे अटैच हो सकता है, मतलब H प्लस आयन जाके अटैच हो सकता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ डाया एसिडिक बेस है, मतलब कि क्या हुआ कि ऐसा बेस है जहाँ पे दो H प्लस आयन जाके अटैच हो सकता है, मतलब कि यहाँ जरूर टू OH माइनस आयन रिलीज किया होगा, वैसा ही इसका भी हाल है। और ट्राई यहाँ पे क्या है, ट्राई एसिडिक बेसिस। अब यहाँ पे ट्राई एसिडिक बेस मतलब कि ऐसा बेस जिसके पास तीन H प्लस आयन जाके अटैच हो जाए, यहाँ पे वही हाल है। ठीक, ओके, अब हम लोग समझेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अब हम लोग समझेंगे कि हम लोग कैसे एसिड्स और बेसिस बना सकते हैं। पहले समझते हैं एसिड बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट। पहला है, हम लोग सीधे एलिमेंट को एलिमेंट से जोड़कर एसिड बना सकते हैं। जैसे एसिड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय टेकिंग टू एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस। हम लोग एसिड बना सकते हैं, पहला तरीका ये है कि एलिमेंट को जोड़ सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में रहता है और क्लोरीन Cl2 के फॉर्म में रहता है, और ये भी गैस और ये भी गैस दोनों मिलकर HCl बना देता है और ये क्या होता है, एसिड होता है। ठीक है, और ये एसिड हमें ये चेक करना होता है तो चेक कर सकते हैं आराम से, H प्लस आयन रिलीज करेगा, H प्लस आयन पानी में रिलीज करेगा, इसलिए एसिड। तो हम लोग डायरेक्ट एलिमेंट कंबाइन करके बना दिया एसिड। ठीक है, दे डायरेक्टली कंबाइन एंड गिव हाइड्रोजन क्लोराइड गैस HCl विच डिजॉल्व इन वाटर एंड फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखो क्या हुआ कि हम लोग देखें क्या एलिमेंट हाइड्रोजन गैस और एलिमेंट दूसरा है क्लोरीन गैस दोनों मिला दिए तो हमको मिल गया HCl, और ये जो HCl मिला गैसियस फॉर्म में मिला और ये एसिड है, और ये एसिड कब पता चलेगा, प्रूफ कब होगा, जब इसको हम लोग वाटर में मिलाएंगे। वाटर में जब मिलाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से H प्लस आयन निकलेगा तो हम लोग कहेंगे यस इट इज़ एसिड। ठीक है, तो हम लोग कैसे बनाए एसिड, तो बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ क्या एलिमेंट, कौन कौन, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे H2 प्लस Cl2 HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, यह क्या हो गया हमारा एसिड। दूसरा तरीका क्या है, फ्रॉम नॉन मेटल्स, नॉन मेटल के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, एसिड बना सकते हैं। कैसे, नॉन मेटालिक एलिमेंट ऑन हीटिंग विथ ऑक्सीजन गिव कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स। अब क्या होता है कि जब नॉन मेटल तुम देखोगे, हमारे पास कार्बन नॉन मेटल है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, तो जितने भी हमारे पास नॉन मेटल है उसके साथ में ऑक्सीजन के रिएक्शन करा दे, जितने भी नॉन मेटल उसके साथ में ऑक्सीजन का रिएक्शन करा दे तो क्या बन जाएगा, नॉन मेटल की ऑक्साइड, क्या बन जाएगा, नॉन मेटल की ऑक्साइड।
फिर फर्दर क्या कहता है, सम ऑक्साइड्स ऑन डिजोल्यूशन इन वाटर गिव कॉरस्पॉन्डिंग एसिड, और जो नॉन मेटल ऑक्साइड होता है जब पानी में मिलाते हैं तो क्या दे देता है, एसिड दे देता है। हेंस सच नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर कॉल्ड एसिडिक ऑक्साइड। इसलिए हम लोग कहते हैं नॉन मेटालिक ऑक्साइड क्या होता है, एसिडिक ऑक्साइड होता है, क्योंकि नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, और नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेगा तो अगर हम लोग उसको पानी के साथ मिला देते हैं तो वो बन जाता है एसिड। इसलिए कहते हैं नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो होता है कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, अब इसको पानी में ज़बरदस्ती मिलाएंगे तो ये क्या बनाएगा, कार्बोनिक एसिड। देखो यहाँ पे बन गया है H2CO3, पानी के साथ ज़बरदस्ती मिलाएं H2CO3 बन गया। वैसे ही सल्फर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दिए तो क्या बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड, और इसमें ज़बरदस्ती फिर पानी मिला दिए यहाँ पे देखो तो क्या बना दिया, H2SO3 बना दिया, क्या बना दिया, H2SO3। और फिर क्या किए हम लोग, SO2 का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ फिर से रिएक्शन कराएं तो ये बना दिया SO3। अब ये SO3 का रिएक्शन फिर पानी के साथ करा दिए तो बन गया H2SO4। मतलब तुम क्या देख रहे हो, नॉन मेटल के पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड आ रहा है, फिर उसके साथ पानी मिला दे रहे हैं तो यहाँ एसिड बन रहा है, जैसे कार्बोनिक एसिड बन गया। वैसा ही यहाँ पे रिएक्शन किया सल्फर के साथ में तो पहले बन गया H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, फिर बन गया यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ क्या समझे कि नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है, एसिडिक नेचर का। तो हम लोग पहले एलिमेंट एलिमेंट को कम्बिनेशन से क्या बना दिए थे, एसिड बना दिए थे, जैसे H2+Cl2HCl, और यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैसियस फॉर्म में बना था, फिर पानी में मिलाया तो वहाँ H+ आयन दे दिया, हम लोग कहें कि यस इट इज़ ए एसिड, क्योंकि वहाँ H+ आयन रिलीज कर रहा है। दूसरा तरीका हो गया। यहाँ फिर कहता है कि द ऑक्साइड्स विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड न्यूट्रल ऑक्साइड। देखो कहा जाता है कि वैसा ऑक्साइड जो पानी में इनसॉल्युबल हो, ठीक है, उसको न्यूट्रल ऑक्साइड कहते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पर देखो द ऑक्साइड विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर कॉल्ड न्यूट्रल ऑक्साइड, जैसे NO और CO क्या है, न्यूट्रल ऑक्साइड है, यानी कि ऑक्साइड विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर कॉल्ड न्यूट्रल ऑक्साइड। हमारा ये दो एग्जाम्पल है, बहुत ही परफेक्ट एग्जाम्पल है। अब बेस के ऊपर डिस्कशन करते हैं, फ्रॉम मेटल्स, मेटल से बेस कैसे बनाते हैं। मेटल्स ऑन हीटिंग विथ ऑक्सीजन गिव मेटालिक ऑक्साइड विच आर बेसिक इन नेचर। देखो क्या होता है, मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, मेटालिक ऑक्साइड बनता है, क्या बनाता है, मेटालिक ऑक्साइड। और जब उसको चेक करते हैं कैसा नेचर है तो बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, तो दीज आर मेटल ऑक्साइड्स ऑन डिजोल्यूशन इन वाटर गिव्स कॉरस्पॉन्डिंग बेसिस। तो जो हमारे पास मेटल की ऑक्साइड आते हैं उसको जब पानी में रिएक्शन कराते हैं या पानी में मिलाते हैं तो बन जाता है मेटल की हाइड्रोक्साइड, और मेटल के हाइड्रोक्साइड कैसा नेचर का होता है, बेसिक नेचर का। कैसे पता चलेगा, तो पानी में मिलाएंगे, और पानी में मिलाएंगे तो वहाँ क्या रिलीज होगा, OH-। ठीक, तो क्या समझे हम लोग, मेटल से कैसे बेस बनाएंगे। तो मेटल से सबसे पहले रिएक्शन कराएंगे ऑक्सीजन के साथ में, वो क्या बना देगा, मेटल का ऑक्साइड बना देगा। फिर क्या करेंगे, मेटल का ऑक्साइड पानी में ले जाकर मिलाएंगे, वो क्या देगा, मेटल का हाइड्रोक्साइड देगा। फिर वो चेक करेंगे पानी में हाइड्रोक्साइड जो देगा वो क्यों देगा, क्योंकि वो बेसिक नेचर का है, और जिसके पास हाइड्रोक्साइड है मतलब OH- आयन है तो मैं कहूँगा उसको क्या, बेस, बिकॉज बेस वह है जो OH- आयन रिलीज करता है, बेस वह है जो OH- आयन रिलीज करता है। ठीक, नेक्स्ट, जैसे देखो यहाँ पे सोडियम है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, क्या बना दिया यहाँ पे, सोडियम का ऑक्साइड। ठीक है, अब देखो सोडियम की ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्शन किया तो क्या बना दिया, सोडियम की हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये सोडियम की हाइड्रोक्साइड पानी में जब मिलाएंगे तो दे देगा OH- आयन, इसीलिए कहेंगे क्या, ये सोडियम के हाइड्रोक्साइड कैसा है, बेसिक नेचर का है, या कह सकते हैं मेटल की ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है, क्योंकि अल्टीमेटली पानी में जब मिला है तो क्या दिया, OH- आयन दिया। ठीक, फिर वैसा ही मैग्नीशियम है, इसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराए तो क्या दे दिया, मैग्नीशियम की ऑक्साइड, और इसको फिर पानी में मिला है तो क्या दे दिया, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड, और मतलब कि यहाँ पे क्या है, OH- आयन है, और ये OH- आयन क्या होता है, बेसिक नेचर को प्रोवाइड करता है, मतलब वो बताया है कि यह बेस है। कैसे चेक करेंगे, तो हमारे पास लिटमस पेपर है, अलग अलग तरीका है चेक करने का, वो आगे हम बताएंगे। ठीक है,
ये तो सबसे पहले पानी मिलाएंगे तो OH माइनस दे देगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी तुम देख रहे हो OH यहाँ प्रेजेंट है। तो क्या समझे, मेटल का जो ऑक्साइड होता है बेसिक नेचर का होता है। क्यों? क्योंकि मेटल का ऑक्साइड जब पानी में मिला है तो हाइड्रोक्साइड दिया, और हाइड्रोक्साइड क्या बताता है, बेसिक। ठीक है, नेक्स्ट तरीका हमारे पास है प्रिपरेशन ऑफ सिलेक्ट लाइम फ्रॉम क्विक लाइम। देखो यहाँ पे हम लोग अब बनाएंगे सेलेक्ट लाइम कहाँ से, तो क्विक लाइम से। तो एक्चुअली होता क्या है, व्हेन क्विक लाइम यानी कैल्शियम की ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर इट फॉर्म्स सेलेक्ट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विथ लिबरेशन ऑफ हीट। ये एक्चुअली हम लोग घर में देखते हैं, घरों में क्या आता है, एक चूना आता है घर को पेंट करने के लिए, वह चूना को पानी में लेकर रखा जाता है, उस चूने का फॉर्मूला होता है क्या, CaO कैल्शियम की ऑक्साइड, और वो स्टोनी टाइप का होता है। उसको जैसे ही पानी में लेकर रखते हो क्या करते हो, जैसे ही पानी में लेकर रखते हो क्या बन जाता है, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड, क्या बन जाता है, कैल्शियम की हाइड्रोक्साइड। और ये कैल्शियम की हाइड्रोक्साइड क्या है, बेसिक नेचर का है। क्यों? क्यों पानी में चेक करेंगे तो क्या निकलेगा यहाँ पर, OH माइनस आयन। ठीक है, और OH माइनस आयन क्या बताएगा वहाँ पर कि वो बेस है। ठीक, और साथ में थोड़ा सा हीट निकलता है, क्या होता है, साथ में थोड़ा सा हीट निकलता है। तो यहाँ पे क्या समझे हम लोग, कि हम लोग कैसे सेलेक्ट लाइम क्विक लाइम से बनाते हैं, मतलब जो हमारा बना कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड वो क्या बना, सेलेक्ट लाइम, इसको कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, इसको लाइम वाटर भी बोलते हैं। और ये कैसा करेक्टर का है, तो बेसिक करेक्टर का, क्योंकि यहाँ पर OH माइनस आयन रहता है। ठीक, तो क्विक लाइम को पानी के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डेट इज सेलेक्ट लाइम, और वहां से हीट निकलता है। ठीक है, तो क्या देखें, क्विक लाइम रिएक्ट विथ वाटर फॉर्म सेलेक्ट लाइम, वो क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। यहां से क्लियर हो गया कि हम लोग बेस कहां से बना सकते हैं, क्विक लाइम से भी बना सकते हैं। और कैल्शियम का ऑक्साइड क्या है, एक तरह का बेस है, क्योंकि इसको पानी में मिला है तो हाइड्रोक्साइड बन रहा है। तो कैल्शियम भी मेटल है और इसके साथ में ऑक्सीजन है तो कैल्शियम ऑक्साइड है, और यही चीज़ तो हम लोग पानी में मिला रहे थे तो कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बन जा रहा था, और ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है OH माइनस आयन ये बदलाता क्या है, बेसिक प्रॉपर्टी। ठीक है, सेलेक्ट लाइम इज नॉट रेडली सोलूबल इन वाटर एंड गेट सेटल डाउन एट द बॉटम। देखो एक्चुअली क्या होता है कि जो सेलेक्ट लाइम बनता है, ठीक है, ये जो सेलेक्ट लाइम बना वो क्या होता है, पानी में सोलूबल नहीं होता है, यानी पानी में नहीं मिलता है। क्या होता है कि धीरे धीरे वो पानी के सतह में बॉटम में जाकर बैठ जाता है, क्या होता है, पानी के बॉटम में जाकर यानी कि उस सरफेस के नीचे जाकर बैठ जाता है। द वाटर कलेक्टेड ओवर द सेलेक्ट लाइम कॉल्ड लाइम वाटर। अब जो क्या है कि एक डब्बा है, इस डब्बा में पानी है, और पानी में हम लोग क्या डाल दिए, चूना पत्थर लेकर आए मार्केट से, कैल्शियम का ऑक्साइड, तो क्या हुआ, रिएक्शन हुआ, तो रिएक्शन करने के बाद क्या बन गया, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड जो बना जाके बॉटम में जाके यहाँ पे अरेंज हो जाता है, यहीं पे जाके सेटल डाउन हो जाता है, और ऊपर पानी हो जाता है। तो ऊपर जो पानी होता है उसको हम लोग बोलते हैं लाइम वाटर, क्या बोलते हैं, लाइम वाटर। ठीक है, और नीचे जो है कैल्शियम की हाइड्रोक्साइड है। ठीक, और ये जो कैल्शियम की हाइड्रोक्साइड है इसको चेक करोगे तो बेसिक नेचर का आएगा। ठीक है, क्योंकि कैल्शियम की हाइड्रोक्साइड हम लोग देखते हैं वहाँ पर OH माइनस आयन रखता है। ठीक, ओके, तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। स्टूडेंट अगर आप चाहते हो कि लाइव क्लासेस हमसे ले, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, जाकर डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट नंबर दी गई है, वहाँ से आप कॉल करें, मैं वहाँ से बता दूंगा कि आप कैसे हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।